हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए वेजिटेबल सूप लेके आई हूँ। ये बहुत हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, तो आप इसको सर्दियों में ज़रूर बनाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने सब्जियाँ लिए हैं। तो सब्जियों में हमें चाहिए अदरक, लहसुन, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, कॉर्न और प्याज। इन सबको मैंने बहुत बारीक काट लिया था, मैंने चॉपर से काटा है। आप हाथ से भी इसको बारीक बारीक काट सकते हैं। अगर इनमें कोई सब्जी आपके पास नहीं है तो आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने एक पैन लिया है। अब इसमें हम एक चम्मच बटर डालेंगे और इसको मेल्ट करेंगे। जब ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो हम इसके बाद अदरक और लहसुन दोनों को हम एक साथ डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। जब ये हल्का सा भुन जाए तो हम इसमें सब्जियां डालेंगे। तो सब्जियां मैं सारी डाल दूंगी एक साथ। अब इसको थोड़ी देर हम भूनेंगे। तो दोस्तों, आपके पास जो भी सब्जियां हैं आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ सब्जी नहीं है तो उनको स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए, हमारी सब्जी भुन गई है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हम उबलने के लिए छोड़ देंगे और फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह से सूप बनाते हैं तो ये बहुत टेस्टी भी लगता है और ये बहुत हेल्दी भी है। तो आप इसको कभी भी बनाकर इसको पी सकते हैं। अब हमारा सूप बॉईल होने लगा है। अब हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और नमक डालेंगे, नमक टेस्ट के अनुसार। अब हम इसमें एक चम्मच वाइट विनेगर डालेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। मैंने एक कटोरी ली है और उसमें हम एक चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसको हम पानी से मिक्स कर लेंगे। हमें अच्छे से मिक्स करना है कि कोई लम्स ना रह जाए इसमें। तो देखिए, हमारा कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको सूप में डालेंगे। तो सूप में मैं 2 चम्मच ही डालूंगी। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसको उबलने देंगे। जब ये उबलने लगेगा तो हमारा सूप बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा सूप उबलने लगा है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल ठीक है। अगर आपको थोड़ा पतला चाहिए तो आप इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको सर्व करूँगी। तो सर्व करने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। अब हम उसमें डाल देंगे। तो दोस्तों, आप सर्दियों में ये सूप बनाकर पी सकते हैं। ये टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये सूप की रेसिपी कैसी लगी।